बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ स्टोरी, द विंड एंड द सन। इन दिस स्टोरी बेटा देयर आर फाइव कैरेक्टर्स। वो चार कैरेक्टर्स, मून, ऑल, सन, विंड एंड मैन। इस स्टोरी में बेटा कितने कैरेक्टर्स हैं? मून, ऑल, सन, विंड एंड मैन। आई विल रिपीट अगेन, मून, ऑल, सन, विंड एंड अ मैन। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो है स्टोरी एक रीड कर रहे हैं, द विंड एंड द सन। आज हम देखेंगे कि इस स्टोरी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कौन है, मून है, ऑन है, सन है या विंड है या मैन है। इन दिस स्टोरी वी विल रीड अबाउट हु आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन दीज कैरेक्टर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। बेटा इस स्टोरी में एक ऑल होता है और एक मून होता है। अब ओल जो होता है बेटा, वो ट्री जो है उसकी एक ट्रंक पे बैठा होता है, शाख पे बैठा होता है। रात का टाइम होता है, फुल मून होता है, ट्विंकल ट्विंकल स्टार्स होते हैं आसमान पे। जो ओल होता है बेटा, वो आवाज़ बना रहा होता है, ऊ ऊ ऊ की आवाज़ निकालता है। जैसे आपको पता है कि ओल की आवाज़ क्या होती है बेटा, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ ओल, ऊ ऊ ऐसे करके आवाज़ निकाल रहा होता है। पास ही जो है बेटा मून होता है, Who says ooh? Then owl says, I am owl. Then moon says, What do you mean? आपका क्या मतलब है? Ask the moon from owl. Moon जो है बेटा owl से पूछता है। The owl opens his eyes wide. जल्दी से owl जो है बेटा अपनी eyes पूरी तरह से open कर लेता है। Who is strong? Ask the owl. कौन है इतना मजबूत? ओल ने पूछा। आई एम सेज द मून, मैं हूँ, मून ने कहा। यू आर टू, तुम भी हो, मून ने कहा कि मैं भी स्ट्रोंग हूँ, और ओल को कहा कि आप भी स्ट्रोंग हो। बट द सन इज स्ट्रोंगर, लेकिन सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर है। द विंड इज द स्ट्रोंगेस्ट, और जो विंड है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि तूफान। विंड किसको कह रहा है बेटा यहाँ पे? तूफान को। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। Then all says, really? वाकई? Ask them in the morning. चले हम इनसे सुबह को पूछते हैं, all ने कहा। Says the moon, और moon ने भी कहा। The night is dark. Night जो थी बेटा बहुत ज़्यादा अंधेरी रात थी। The owl cannot see the sun. उस time आपको पता है कि जब रात होती है तो sun तो होता ही नहीं है, तो owl जो है वो sun को नहीं देख सकता था। The owl can hear the wind. लेकिन owl जो है वो wind को सुन सकता था। और wind की कैसे आवाज़ थी? Whoosh, whoosh, ऐसे wind की आवाज़ आ रही थी। That wind is strong, say the owl. तो विंड ने जब आवाज़ सुनी, इस ओल ने जब विंड की आवाज़ सुनी बेटा, तो उसने कहा वाकई ये तो विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है। इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह हुई, द सन राइजेज, सन उभरा, यानी कि सन सूरज है बेटा निकला, स्लोली एंड जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता से और आराम से। द ओल इज टायर्ड, ओल जो बेटा बहुत ज़्यादा टायर्ड था। द विंड इज स्टिल ब्लोइंग हार्ड, अभी भी जो है बहुत तेज़ विंड हो चल रही थी बेटा, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही थी। हु इज स्ट्रोंगर, आज द ओल, ओल ने पूछा कि सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रोंगर है? यू और द सन, सन से पूछा ओल ने कि आप स्ट्रोंग हो, विंड को कहा, या फिर सन? आई एम सेज द विंड, तो कहा मैं हूँ, विंड ने कहा। नो आई एम से सन, उसी टाइम सन ने भी कहा नो नो आई एम स्ट्रोंगेस्ट, मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट हूँ। हिडिंग बिहाइंड अ क्लाउड्स, जो कि बेटा क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ था। लेट्स फाइंड आउट सेज द ओल, तो ओल ने कहा चलिए देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग है। कैन यू सी दैट मैन ऑन द रोड, क्या आप उस आदमी को रोड पे देख सकते हो? मेक हिम टेक ऑफ हिज कॉट, आपने क्या करना है बेटा, इसका टेक वो
सूरज को जो है बेटा और विंड को जो है ओल ने कहा कि आपने इसका कोड जो है वो सबसे पहले जो है बेटा ओल ने विंड को कहा कि आप इतनी तेज़ी से हवा चलाएं कि इस आदमी का जो कोट है बेटा उतर जाए। दैट्स इजी सेज द विंड। विंड ने कहा ये तो बहुत इजी है। द विंड ब्लोज एंड ब्लोज, हवा चलती गई। द मैन फील्स कोल्ड, मैंने बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग गई। ही होल्ड ऑन टू हिज कोट, उसने अपने कोट को जोर से पकड़ लिया मजबूती से। लेट मी ट्राई सेज द सन, अब सन ने कहा चले मुझे कोशिश करने दे। द सन मूव्स फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, जल्दी से सन जो है बेटा वो क्लाउड से बाहर निकला और आदमी के पास गया, बिल्कुल उसके सामने, उसके सर के ऊपर। जैसे हम दोपहर को जाते हैं तो सन हमारे बिल्कुल सामने ऊपर होता है हेड के, इसी तरह सन भी उसके बिल्कुल करीब चला गया। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज बहुत तेज चमकने लगा। सून द मैन हीज हॉट, और आदमी जल्द ही बेटा गर्म हो गया, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। ही टेक्स ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट जो है बेटा उतार दिया क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हीट महसूस होने लगी थी। दैट इज़ अ क्लेवर, बहुत चलाक हो सेज द ओल। ओल ने कहा यू आर द स्ट्रोंगेस्ट, तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट कौन हुआ इस स्टोरी में बेटा? सन। कौन हुआ सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट? सन स्ट्रोंगेस्ट हुआ। नाउ वी रीड बेटा, एन ओल इज सिटिंग इन अ टीक ट्री। ऊ सेज द ओल टू ऊ, हु व्हाट आस्क द मून। हु सेज द ओल, हु व्हाट यू मीन आस्क द मून। The owl opened his eyes wide. Who is strong? Asked the owl. I am, says the moon. You are too, but the sun is stronger. The wind is the strongest. Really? Says the owl. Ask them in the morning, says the moon. The night is dark. The owl cannot see the sun. The owl can hear the wind. That wind is strong, says the owl. In the morning, the sun rises slowly and gently. The owl is tired. The wind is still blowing hard. Who is stronger? Asks the owl. You or the sun? I am, says the wind. So, student, your homework is you will read page number beta 42. Okay? You will read page number 42 and also memo this. Underline difficult words beta. Sitting, teak, ask, and mean. Okay beta, it's your homework. Complete page number 52 and also memo underline difficult words beta. Inshallah, we will meet next class with the remaining part of this story. Allah Hafiz.